अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में एपी कहते हैं। व्हाट इज एपी? एपी को अगर डिफाइन करना हो तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। A sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same। जैसे AP है, हमारी AP की सीरीज जो होगी, AP की सीरीज A, A minus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, last term A plus NDV, yes। अब इस AP सीरीज में हमारा ये T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये T2 यानी कि सेकेंड टर्म, ये T3 यानी कि थर्ड, ये T4 एंड सो ऑन, ये हमारा Tn। इसमें फर्स्ट टर्म जो हमारा है, फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं A, जो हमारा सीरीज का पहला टर्म होता है। फर्स्ट टर्म इंडिकेट A, इसको हम T1 के इक्वल मान सकते हैं। ये T1 के इक्वल है हमारा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं D से। D हमारा क्या हो जाता है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कहा था कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये आपस में सभी इक्वल है। यानी कॉमन डिफरेंस हमें तभी फाइंड आउट होता है जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं और फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस करते हैं। मतलब हमको नेक्स्ट टर्म में से जो उसके पहले का टर्म होता है, प्रीवियस टर्म, उसको माइनस करना पड़ता है। ये हमारा हुआ पहले का टर्म, ये हुआ नेक्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह से हम जब थर्ड से सेकेंड, ये कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में से जो उसके पहले का टर्म है जस्ट उसको जब माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हमारा T1, T2, T3, T4 और लास्ट हमारा Tn टर्म होता है, nth टर्म। nth टर्म हमारा Tn जो होता है, Tn को हम nth टर्म भी कहते हैं। nth टर्म Tn, Tn इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला बन जाता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा टी एन जो होता है ये लास्ट टर्म के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमारा ये लास्ट टर्म भी इसको मान सकते हैं जो कि इस सीरीज का लास्ट टर्म यानी कि अंतिम टर्म होता है। ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा हो जाता है। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू वन टू थ्री एंड सो ऑन रख लें तो हम T1
टी टू, और अगर एन रख लें लास्ट में तो हम इसी तरीके से टी एन फाइंड आउट कर लेते हैं। टी वन फाइंड करेंगे तो ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यानी कि हमारा ए हो जाएगा। टी टू फाइंड करेंगे तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा। टी एन फाइंड करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा जो कि फार्मूला है ये फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा लास्ट टर्म भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, ये शॉर्ट फॉर्म एपी हो गया, ये एपी की सीरीज हो गई, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ए प्लस एन डी। फाइंड आउट करने पे देख रहे हैं आप कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा ए है, इसको हम टी वन भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो फार्मूला फाइंड आउट होता है nth टर्म हमारा वो ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ये हमारा एल के इक्वल हो जाता है, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारा टी एन है, उसको एल भी कह सकते हैं लास्ट टर्म। इसी तरीके से एन इज इक्वल टू वन टू थ्री सो ऑन करने पर टी वन हमारा ए फाइंड हो जाएगा, टी टू हमारा ए प्लस डी, और इसी तरीके से सो ऑन करने पे हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी फार्मूला फाइंड आउट हो जाता है और एल। ये हमारी हो गई ए पी का nth टर्म। nth टर्म को जनरल टर्म भी कहते हैं सीरीज का। टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद, ए पी सीरीज का जनरल टर्म, दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स जनरल टर्म। टी एन एफ इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी, एल इज इक्वल टू बी ए प्लस एन माइनस वन डी एंड अदर वर्ड्स इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ ए पी। अब इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एस एन निकालते हैं, सम ऑफ एन नंबर्स इन ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में अब हम सम ऑफ एन टर्म्स को समझेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये है सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फाइंड आउट कैसे हुआ? ये फाउंड आउट इस तरह से हुआ, हमारी एपी की सीरीज जो थी एस इज इक्वल टू, अगर हम मानते हैं ए ए प्लस टी प्लस ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, जो इसका हो जाएगा ये हमारा, अगर इसको हम लेते हैं जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारा, इसको मानते हैं लास्ट टर्म एल, तो इसके जो पहले का हमारा लास्ट टर्म का होगा वो हमारा हो जाएगा एल माइनस टी। ऐसा हमने इसलिए किया, हमने एक सीरीज बनाई एपी की, फर्स्ट टर्म ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इसका एल, तो जो उसके पहले का टर्म होगा एल माइनस डी। क्यों? क्योंकि जो ये है एल माइनस डी हमारा एन माइनस वंथ टर्म के बराबर होगा हमारा एल माइनस डी, क्योंकि हमारा ये n माइनस वंथ टर्म होगा और ये हमारा nth टर्म है। nth टर्म को हम बता चुके हैं कि लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये हमारा n माइनस वंथ टर्म है, तो n माइनस वंथ टर्म इज इक्वल टू l माइनस डी। ये हमारी ए पी की सीरीज है, सम ऑफ, इसको हम इक्वेशन वन भी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम अपोजिट चलते हैं उधर से L की तरफ से, अंतिम पद लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, तो L प्लस L माइनस डी, देखिए L माइनस डी, फिर प्लस L माइनस टू डी
एंड सो ऑन, जो हमारा इधर स्टार्टिंग में टर्म था वो हमारा इधर लास्ट टर्म हो गया, और इसके पहले का एन माइनस वन टर्म ये हो गया, और इसका लास्ट टर्म हमारा ए हो गया, और ये हमारी सीरीज हो गई सेकेंड। ये फर्स्ट सीरीज, ये सेकेंड तक सीरीज। सम ऑफ एन टर्म्स ये बताया आपको, सीरीज हमने बताई सम की, एस इज इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, एन माइनस वन टर्म इसका एल माइनस डी, और लास्ट टर्म यानी कि एल लिया, यानी कि ये एंथ टर्म और ये एन माइनस वन टर्म, क्योंकि एन माइनस वन टर्म हमारा एल माइनस डी के इक्वल होगा। अब इसी सीरीज को उधर से अपोजिट करके लिखते हैं, एस इज इक्वल टू हमारा जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी एंड सो ऑन, जो हमारा इधर स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म था वो हमारा लास्ट टर्म हो गया प्लस डी और प्लस ए। अब इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशंस की सीरीज को हमने इस सीरीज को जोड़ लिया, तो हमारा हो गया टू एस इक्वल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल एंड सो ऑन, एट ए लास्ट भी हमारा ए प्लस एल। क्यों? क्योंकि जब आप जोड़ेंगे इसको ए प्लस एल, इसको और इसको जोड़ेंगे, डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल इसको फिर करेंगे तो इसी तरीके से हमारा डी डी कैंसिल हो जाएगा ए प्लस एल एंड सो ऑन, तो ये हमारा हो जाएगा टू एस इक्वल एन ए प्लस एल, यानी कि एस इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। एल इक्वल हम लोग जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, एन बाई टू ए, एल इक्वल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारा ये जा करके फाइंड हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और ए हमारा मिल करके एड हो करके टू ए हो गया और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला इस तरीके से फाइंड आउट हुआ। ये चीज़ हमने फाइंड आउट की। आज इतना ही, अब आगे इसके आगे आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे हम लोग इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। टी एन एंथ टर्म फाइंड आउट करना, सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट करना, जिनको कि आगे प्रॉब्लम्स के रूप में जो भी सॉल्यूशंस होंगे उसमें किस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इस प्रॉब्लम को समझें, इजी वे में समझें, एक बार दो बार देखें, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और घर में रहें, पढ़ें, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।